हाय एवरीवन, आज हम सिर्फ दो चीज़ों से बना इतना टेस्टी मज़ेदार क्रिस्पी चटपटा नाश्ता। देखिए कितनी क्रिस्पी बना है, मैं तोड़ के दिखा देती। देखिए इसके अंदर की स्टफिंग देखिए, बहुत ही लाजवाब है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चे बड़े इसको बहुत ही पसंद आएगा, सब मांग मांग कर खाएंगे। थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा आपको, अगर मेहमान को खिलाना चाहते वो भी खिला सकते, वो आपको तारीफ़ करेंगे। इस तरह से सॉस के साथ लगा कर खाइए, बहुत ही डिलीशियस है, टेस्टी है, क्रिस्पी है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइए आपकी रेसिपी कैसी लगी है। अब चलिए देर की इस बात की, इस नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टफिंग बनानी है। गैस पे पैन रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। एक चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। गर्म हो गई है, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, जीरा को चटकने देंगे। जीरा चटक गई है, थोड़ी सी अदरक ग्रेट कर लिए वो भी डाल देंगे। सेकंड के लिए भून लेंगे ताकि कच्चा पर निकल जाए। एक प्याज काट लिया वो भी डाल देंगे, प्याज को एक मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज को भून लिया है, एक हरी मिर्च काट लिया है वो डाल देंगे, एक शिमला मिर्च, एक टमाटर। सब्जी को बारीक से काटना है। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए। दो मिनट हम भून लेंगे ताकि कच्चापन निकल जाए। सब्जी को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, मिक्स कर लिया है। दो बॉयल आलू ग्रेट करके ले लिया है वो डाल देंगे। इस तरह से दबाते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे तरह से आलू में चला जाए। मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा चाट मसाला मिलाएंगे, इससे नाश्ता बहुत ही चटपटा बनेगा। थोड़ा सा हरा धनिया भी मिला देंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है, मसाले हमारा रेडी है। अब गैस को ऑफ करके थोड़ा सा ठंडा करके ले लेंगे और आगे की प्रोसेस करते हैं। इधर हमने 6-7 ब्रेड ले लिया है, एक ब्रेड ले लिया है, इसको किनारे को हम काट लेंगे। इस तरह से हम सभी ब्रेड की किनारे को काट लेंगे, इसी तरह से काट के लेना है। अभी ब्रेड को हमने काट के रेडी कर लिया है, अब इसको साइड में रख देंगे। दूसरा बाउल ले लिया है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदे से भी बना सकते हैं। थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी जीरा डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पानी डाल के हम घोल रेडी करेंगे। देखिए पतला सा घोल रेडी करना है, अब इसको साइड में रख देंगे। दूसरा बाउल में पानी ले लिया है, अब ब्रेड को हम इस तरह से डुबो लेंगे, इस तरह से प्रेस करके पानी को निकाल लेंगे। इधर स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो गई है, स्टफिंग को हम 20 में रख लेंगे और इस तरह से दबा लेंगे, जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसान है बनाना, आसान है। 5 मिनट में इस नाश्ता को बना के सबको खिला सकते हैं। देखिए सभी को हम इसी तरह से रेडी करके ले लेंगे। देखिए सभी को रेडी कर लिया है, अब हम गैस पर चलते हैं। पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है। जो घोल हमने बनाई है वो दोबारा से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह से कोटिंग करके डाल देंगे। डाल दिया है, एक साइड सिकने देंगे, गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करके। अब चलिए एक साइड सिक गई है, अब हम पलट लेंगे। देखिए कलर चेंज हो गई है, पलट लिया है, अलट पलट के कलर चेंज होने तक सेक लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, देखने में जितना सुंदर है खाने में उतना ही टेस्टी है। इस तरह से बना के आप मेहमान को भी खिला सकते हैं, वो आपको तारीफ करेंगे। बहुत ही टेस्टी है, क्रिस्पी है। अब हम निकाल लेंगे, मैं पास से दिखा रही हूँ। देखिए कितनी बढ़िया बनी है और सभी को इसी तरह से रेडी करके ले लेंगे। देखिए नाश्ता हमारी रेडी है खाने के लिए, मैं दिखा देती हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी बना है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर की स्टफिंग देखिए, लाजवाब बनता है। एक बार बनाएंगे तो बार बार आप इसी नाश्ता को बनाना पसंद करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नई हो और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगली वीडियो पे मिलते हैं। वाह।